सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड नेक्स्ट चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा पहला सीजन था ऑल अबाउट सेक्शन 377, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी। वो 2016 में रिलीज़ हुआ था और इस बार हम लोग ला रहे हैं उसका एक्सटेंशन जिसका नाम है स्टिल अबाउट सेक्शन 377। ये स्टोरी है एक गे कपल की जो विलेज में जा पहुँचते हैं उनमें से किसी एक फैमिली की एक्सेप्टेंस की तलाश में। और इस वेब सीरीज़ में पहली बार हम एक ट्रांसजेंडर का स्ट्रगल भी दर्शा रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट व्हाट ऑल दे हैव टू गो थ्रू टू बी एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। तो ये बेसिक वन लाइनर है हमारे शो का और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 377 के कुछ पार्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिए हैं और ये बहुत ही लिबरेटिंग फीलिंग है, ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव इंडिया जहाँ पे सब किसी से भी प्यार कर सकते हैं, उन्हें किसी से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। एज अ कैप्टन ऑफ द शिप जहाँ पे आपने शूट किया था वहाँ पे मतलब किस तरह से शूट करने मिला आप लोगों को, क्योंकि इस बारे में स्पेशली गांव में कोई बात नहीं करना चाहता इस बारे में, तो एज अ कैप्टन ऑफ द शिप क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? एक्चुअली सेक्शन स्टिल अबाउट सेक्शन 377 हमने जटखोर नाम के गांव में शूट किया है जो एक्चुअली गुलशन का गांव है, जो हमारे वेब सीरीज़ में लीड कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं। और हमें शूटिंग के दौरान तो कोई दिक्कत नहीं हुई बट उसको शूट लाइक टू गेट टू द स्टेज ऑफ शूटिंग वॉज अ बिग चैलेंज क्योंकि पहले तो सेक्शन 377 था और बहुत प्रोड्यूसर्स फाइनेंसर्स घबराते थे इनसे इस काइंड ऑफ टॉपिक से जुड़ने में, तो फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा था। पर फिर हमारे साथ बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स जुड़े जैसे कि डांसिंग शिवा फिल्म मेकर्स, आसमी एंटरटेनमेंट, SP सिनेकॉर्प, तो बहुत सारे लोग जुड़ के आए आगे और उन्होंने मिल के हमें बहुत ही इंकरेज किया ये शो बनाने के लिए। और गांव में तो हमें बहुत मज़ा आता था एक्चुअली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव था, सिर्फ थोड़े बच्चे हमें तंग करते थे उसके अलावा हाँ चिल्ला के उन लोग भाग जाते थे पर एक्चुअली अदरवाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बहुत खुश था वहाँ पे शूट करने के लिए क्योंकि उन लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते थे, वो आके मुझे पूछते थे ये वो है ना, ये वैसे है ना, तो उनको समझाता था मैं कभी कभी जब भी मेरे पास टाइम होता था, नहीं होता था तो फिर मैं भाग जाता था वहाँ से। बट एनीवेज मैं बहुत खुश था क्योंकि थोड़े और लोगों को हमारे इमोशनल जर्नी के बारे में हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर सके।